फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिना और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेजी व्यंजन में। आज हम बनाएंगे ये बच्चों के लिए यमी यमी सा दिखने वाला टेस्टी और हेल्दी हेल्दी स्नैक ऑप्शन, जिसे हम कहते हैं चॉकलेट स्टिक्स। ये बहुत ही इजीली बन जाएंगे और बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी है ये और आपके बच्चे इसे जरूर एंजॉय करेंगे। सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया है बटर। मेरा बटर जो है वो अनसॉल्टेड है और एकदम रूम टेम्परेचर पे है। बटर कोल्ड नहीं चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर पे चाहिए। अब हम इस बटर को अच्छे से एक विस्क की सहायता से विस्क कर लेंगे। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप एक नॉर्मल फोक या फिर एक चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कर लीजिएगा। जब बटर थोड़ा सा हमारा लाइट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप वो डालिएगा, और अगर नहीं है तो आप घर की पिसी हुई चीनी भी इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने बटर को 1 से 2 मिनट के लिए विस्क कर लिया है। अब मैं इसमें ये पाउडर्ड शुगर डाल रही हूँ और फिर अब इस मिक्सचर को हम कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से विस्क कर लेंगे। शुरू में थोड़ा धीरे धीरे से कीजिएगा, नहीं तो जो सारा आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर है वो उछल के बाहर आ जाएगा। एक बार वो पटक के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद आप भले ही जोर से आपका विस्क घुमा सकते हैं। आपको इसे तब तक विस्क करना है जब तक आपके मिक्सचर का जो कलर है वो थोड़ा सा हल्का ना हो जाए। देखिए मेरा जो बटर था वो काफी येलोइश शेड में था, और अब मिक्स करने के बाद ये थोड़ा थोड़ा हल्का लाइट कलर का हो गया है। इससे जो है वो आपका मिक्सचर है काफी एरी बनता है। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर इससे टेस्ट काफी अच्छा आएगा। अगर आपके पास है तो आप इसे जरूर ऐड कीजिएगा। और इसको ऐड करने के बाद हम फिर से 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद मैं एक स्पैटुला की मदद से सारा जो एक्स्ट्रा साइड पे लगा हुआ है ना बोल के, उसे एक तरफ नीचे इकट्ठा कर लूंगी और फिर अच्छे से एक बार मिक्स कर लूंगी ताकि कोई भी लम्स ना रह जाए इसमें। हमारा बटर शुगर का मिक्सचर तैयार है, तो अब हम यहाँ पे डालेंगे गेहूं का आटा। एज मैंने आपको कहा है कि ये एक हेल्दी वर्जन है, तो हम यहाँ पे गेहूं का आटा यूज कर रहे हैं। और एक चिपटे हम डालेंगे इसमें नमक की। अगर आप शुरू में सॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो नमक का यूज मत कीजिएगा। मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया था, इसलिए एक पिंच नमक डाला है। और अब हम इसे बहुत ही लाइटली हमारे जो बटर शुगर का मिक्सचर है उसके साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आटे की जगह पे नॉर्मल मैदा भी यूज कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी में यूज कीजिएगा और उससे सेम तरीके से प्रोसेस कीजिएगा। पर एक हेल्दी वर्जन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है। देखिए मेरा मिक्सचर धीरे धीरे से बटर में अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब आप अपने हाथ की सहायता से इसे और अच्छे से बाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। हमें इसे आटे की तरह नहीं गूंथना, बस इकट्ठा करने की कोशिश करनी है। देखिए इस तरह से हमें उसे बस इकट्ठा करना है, जोर लगा के आटे की तरह नहीं गूंथना है। देखिए मेरा जो मिक्सचर है वो इस तरह अच्छे से इकट्ठा होके तैयार है। अगर आपके वहाँ पे इस टाइम पे समर सीजन है जब इसे बना रहे हैं, तब इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिएगा एक क्लिंग रैप में रैप करके, कम से कम आधे घंटे के लिए। और अगर विंटर सीजन चल रहा है तो आप हाथों हाथ इसका यूज करना शुरू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और फिर एक पार्चमेंट पेपर लेके उसके बीच में रख के हम इसे रोल आउट कर लेंगे। इस तरह एक पार्चमेंट पेपर पर रख के ऊपर से मैंने इसे फिर से उसी पेपर से कवर कर लिया है,
और फिर एक बेलन की सहायता से इसे रोल कर लिया है। आपको इसे 1/4 इंच की थिकनेस के जितना रोल कर लेना है। शेप का टेंशन मत लीजिएगा, हम इसे लास्ट बाद में काटने ही वाले हैं। देखिए, इस तरह से रोल आउट करने के बाद मेरा जो फ्लैट ब्रेड है वो तैयार है। अब मैं इसे एक पिज्जा कटर की सहायता से काट लूंगी। अगर आपके पास पिज्जा कटर नहीं है तो आप एक नॉर्मल नाइफ भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप में हम इसे कट कर लेंगे। और जो साइड में एक्स्ट्रा पार्ट बचा है उसे निकाल के हम अपने वो पुराने वाला जो दूसरा हिस्सा था डो का उसके साथ रख लेंगे। और अब हम इससे 1/4 इंच थिकनेस का जो हमारा ये है इससे हम छोटे छोटे से इस तरह से काटना शुरू कर देंगे। इसकी थिकनेस हमें 1 सेंटीमीटर जितनी रखनी है। और फिर हम इसे हल्के हाथों से यूं उठा के और हाथों के बीच में रोल कर लेंगे। आपको बहुत ही ध्यान से इसे करना है क्योंकि इसमें बटर है और ये काफी सॉफ्ट हो चुका है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा और फिर से इस पे काम करना शुरू कीजिएगा। देखिए, इस तरह से मैंने इसे हाथों के बीच में रोल कर लिया है और मेरी जो स्टिक्स है वो एकदम तैयार है। मैं आपको एक और स्टिक बना के दिखाती हूँ। इसे धीरे धीरे इस तरह से पहले आपको हाथों में उठा लेना है और फिर हाथों के बीच में रख के इसे रोल कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इनको हाथों के बीच में ना करके पार्चमेंट पेपर पे भी इस तरह से रोल कर सकते हैं हल्के हाथों से। और फिर इन स्टिक्स को उठा के हम हमारी बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। बेकिंग ट्रे को मैंने ऑलरेडी एक बटर पेपर से लाइन कर लिया है और उस पे इस तरह से मैंने सारी स्टिक्स को अरेंज कर लिया है। और फिर हम इन्हें 180 डिग्रीज पे 10 से 12 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। देखिए, मेरी जो स्टिक्स है वो अच्छे से बेक होके तैयार है। ये बहुत ही क्रिस्पी और यमी बनी है। आप इसे इस टाइम पे चाहें तो इसी तरह खा सकते हैं, नहीं तो आप अगले प्रोसेस में जाके इस पे चॉकलेट कोट करना भी शुरू कर सकते हैं। इन्हें हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हमारी चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बिटर स्वीट डार्क चॉकलेट लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे नॉर्मल व्हाइट चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप डबल बॉयलर पे इसे मेल्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो इसे 1 मिनट के लिए 30-30 सेकेंड्स के इंटरवल पे माइक्रोवेव कर लीजिएगा ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब एक बार मैंने इसे फोक की सहायता से अच्छे से इस तरह मिक्स कर लिया है ताकि कोई भी चॉकलेट का चंक इसमें ना रह जाए। अब एक पतला लंबा ग्लास ले लेंगे हम, अगर आपके पास घर पे है तो। मेरे पास एक पतला लंबा कप था, इसमें मैंने इस चॉकलेट मिक्सचर को पोर कर लिया है। और अब हम इसको कोट करना शुरू करते हैं। अगर इस टाइम पे आपको लगता है कि आपकी जो चॉकलेट है वो फिर से गाढ़ी हो रही है तो आप इसे डबल बॉयलर पे या माइक्रोवेव पे 10-15 सेकेंड के लिए फिर से रख दीजिएगा। अब मैंने एक पार्चमेंट पेपर बिछा लिया है और इस तरह देखिए इस स्टिक को मैं इस चॉकलेट में डिप कर लूंगी। और बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे करना है और फिर इसे बहुत ही जेंटली हम धीरे धीरे शेक कर लेंगे ताकि जो एक्सेस चॉकलेट इसके ऊपर है वो निकल जाए। और फिर इस स्टिक को हम पार्चमेंट पेपर पे रख देंगे। देखिए, एक बार मैं फिर से आपको कोट करके दिखाती हूँ। इस तरह हम एक स्टिक लेंगे और उसे इसमें रोल कर लेंगे और फिर थोड़ा सा धीरे धीरे शेक कर लेंगे ताकि जो एक्सेस चॉकलेट है वो निकल जाए। और इसको हम फिर से पार्चमेंट पेपर पे रख देंगे। इस टाइम पे आप चाहें तो इसके ऊपर कोकोनट पाउडर या स्प्रिंकलर्स भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इन स्टिक्स को मैं थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी ताकि जो मेरी चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए अच्छे से सेट हो जाए।
10 से 15 मिनट के बाद आप इस तरह पार्चमेंट पेपर से अपनी जो स्टिक्स है उसको रिमूव कर लीजिए। है ना बच्चों के लिए परफेक्ट ट्रीट, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ये यमी है, क्रंची है और फुल ऑफ चॉकलेट है, तो बच्चों के लिए तो ये वाह भाई वाह वाली चीज़ हो जाएगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे भी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमारी यमी यमी सी क्रंची चॉकलेट स्टिक्स बनके तैयार है। प्लीज इस रेसिपी को एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंजॉय।